Hello guys, welcome to my channel. Today we are talking about how to reset your smartphone and why it's necessary. So let's start. So guys, हमें पता है कि reset किस तरह करते हैं, but क्या आप लोगों को ये पता है कि reset के भी दो types होते हैं? अगर नहीं पता तो don't worry, आज हम इसी topic पे चर्चा करने वाले हैं. सो रिसेट के दो टाइप्स होते हैं, नंबर वन सॉफ्ट रिसेट, नंबर टू हार्ड रिसेट. तो सॉफ्ट रिसेट क्या होता है गाइस? सिर्फ सिस्टम यूआई वो है बाय डिफॉल्ट जैसे सेट होती है वही पोजीशन में एज इट इज हो जाती है. और हार्ड रिसेट में क्या होता है? सिस्टम यूआई, सिस्टम एप्स वंस मोर टाइम एज इट इज बाय डिफॉल्ट हो जाती है. हार्ड रिसेट के क्या फायदे हैं ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टली. हार्ड रिसेट से गाइस काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो हम देख नहीं सकते, जो लॉजिकली परफॉर्म होते हैं. सो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो लाइक सिस्टम यूआई लैगिंग करना, देन फोन का हैंग होना, गूगल सर्विस की कोई एरर्स जनरेट होना रिपीटेडली, फिर फोर्सफुली कोई एप्लीकेशन क्लोज या स्टॉप हो जाना. तो ये सब प्रॉब्लम्स हार्ड रिसेट से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो अब मैं आप लोगों को सॉफ्ट रिसेट और हार्ड रिसेट किस तरह करना है उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस देना चाहता हूँ. सो लेट्स हैव अ लुक. तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दो फोन है, एक है लिनोवो का K4 नोट और यहाँ पर एक है सैमसंग गैलेक्सी नोट 5. तो गाइस मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों फोन मैंने क्यों रखा है यहाँ पर. मैंने यहाँ पर दो फ़ोन इसलिए लिए क्योंकि दोनों फ़ोन की सिस्टम रिकवरी जब हम ओपन करने जाएंगे हार्ड रिसेट के लिए तो दोनों के अंदर पॉइंट्स अलग अलग है. जैसे यहाँ पर होम की है तो ये होम की वाले फ़ोन्स के अंदर किस तरह हम रिसेट कर सकते हैं फ़ोन को, देन यहाँ पर है लिनोवो का K4 नोट जिसके अंदर होम की नहीं है. तो हमें अगर रिकवरी में जाना है तो किस तरह हम रिकवरी में जाएं, तो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ. गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर नोट 5 ले लेते हैं. नोट 5 में सॉफ्ट रिसेट किस तरह करते हैं मैं ये आपको क्विकली एक रिव्यू दे देता हूँ. तो लॉक स्क्रीन अनलॉक कर दिया, सेटिंग्स में जनरल मैनेजमेंट में रिसेट फैक्ट्री रिसेट एंड देन रिसेट पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा. सकते हैं सैमसंग में कोई भी फोन हो जो आपके पास की है जिसके अंदर, तो उसमें आप इस तरह से हार्ड रिसेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ फोन. देख लो तो यहाँ पावर ऑफ होने के 2-3 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप की, होम की एंड पावर बटन, ये तीन स्विच एक साथ दबाना है. तो मैं पहले वॉल्यूम अप की दबा देता हूँ, देन होम की दबा देता हूँ, उसके बाद मैं दबाता हूँ पावर की. तो जैसे ही सैमसंग का लोगो आता है वैसे आपको पावर की स्विच रिलीज कर देनी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम रिकवरी ओपन हो रही है, इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है. सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए गाइस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. अगर कोई भी इशू आता है अगर रिसेट करते हुए आपको, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्यूशन 100% दूंगा. तो यहाँ पर रिकवरी ओपन हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रिकवरी. तो यहाँ पर ऑप्शन है वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट, तो वहाँ पर आ जाते हैं, ये आ गए वहाँ पर, ये क्लिक किया पावर की पर एंड यस कर देना है. उसके बाद यस करेंगे जो रिसेट होगा, रिसेट होने के बाद वापस नीचे आना है वाइप कैच पार्टीशन, भूलना मत वाइप कैच पार्टीशन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके हमें फिर से एक बार पावर की दबाना है एंड देन यस. यस करने के बाद वहाँ पर वापस प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपका फोन
हार्ड रिसेट हो जाएगा। सो देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिबूट कर देना है सिस्टम को, सिस्टम इज रिबूटेड। तो फिर से एक बार सैमसंग फ़ोन आपका चालू हो जाएगा। लिनोवा K4 नॉट है। अब यहाँ पर हमें जो है वो होम की नहीं दी गई है। सो हर एक फ़ोन में हार्ड रिसेट करना हो तो उसके अलग 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 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो मैंने इसलिए दोनों फ़ोन को रखा हुआ है जिसमें होम की नहीं है और इसमें होम की है। तो अगर आपके पास बिना होम की वाला फ़ोन है, लिनोवा, जोलो, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, जितने भी फ़ोन हैं, जियोनी, तो जिसके अंदर होम की नहीं है, सो उस फ़ोन में क्या क्या करें अगर आपको हार्ड रिसेट करना हो तो? पहले फ़ोन को पावर की दबा के स्विच ऑफ कर लीजिए। पावर ऑफ किया, पावर ऑफ होने के बाद 2-3 सेकंड वेट करें। तो गाइस जैसे आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की एंड पावर की सब एक साथ दबाना है। तो चलो ट्राई करते हैं। वॉल्यूम अप की दबा देता हूँ, वॉल्यूम डाउन की दबा देता हूँ मैं, और यहाँ पर पावर की भी दबाता हूँ। जैसे ही आपका नॉर्मल वाइब्रेट होता है फ़ोन, पावर स्विच आपको छोड़ देना है एंड लेने वालों को आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है आपकी जो वॉल्यूम अप डाउन की है वो आपको स्टिल दबा के रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिनोवा रिकवरी दिखा रहा है, तो ये भी रिकवरी एक तरीके से। देन उसके बाद क्या करना है आपको, क्लियर डेटा, यहाँ पर गए क्लियर डेटा में, डिलीट यूज़र डेटा एंड क्लियर यूज़र डेटा। आपको रिसेट इसमें इस तरह करना है, डिलीट यूज़र डेटा भी करना है, उसके बाद नीचे क्लियर यूज़र डेटा भी करना है। ये दोनों करने के बाद ही आप हार्ड रिसेट फिनिश कर पाएंगे। सो फिलहाल मैं आपको लाइव करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी बैकअप है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको ये करना है। ये हो जाने के बाद आपको नॉर्मली रिसेट कर देना है पावर की दबा के। तो ये फोन फिर से एज इट इज़ चालू हो जाएगा। गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, हार्ड रिसेट करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो बाय गाइस, टेक केयर।